मैं ऑन एयर ये ऐलान कर रहा हूं कि हमने उन दोनों लोगों को एमएनएस के लिए कोई गिरफ्तारी नहीं है। जो प्राइवेट मलेशिया है उसके 19 लोग हमने हमारे पास हैं, और जो रास्तों में आना चाहते हैं उसको भी हम रोकेंगे। मसला क्या है? मसला यह है कि इस मुल्क में इमरान खान ने सख्त माशी इक्तसादी हालात में भी आजाद खारजा पॉलिसी को जन्म दिया है और कहा कि हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं है, न चीन के भी साथ हैं, अमेरिका के भी साथ हैं, रूस के भी साथ हैं, और हम यूक्रेन और रूस की लड़ाई में गैर जानबदार हैं। ये इनको नेटो की रिश्तेदारी याद आ गई है। ये कहते हैं जी कि वो जलसे में ऐलान किया। भुट्टो ने क्या किया लियाकत बाग में ऐलान? जुल्फकार अली भुट्टो ने नासिर बाग में क्या ऐलान किया? सब टीवी चैनल दिखाएं उसको। मोची दरवाजे में क्या किया सारा फॉरेन पॉलिसी का? किकरी ग्राउंड में क्या किया? इमरान खान इस मुल्क को आगे लेकर जाना चाहते हैं। अदम एतमाद आपका आईनी और कानूनी हक है। कानून के तहत 14 दिन के अंदर स्पीकर साहब ने जिस दिन मर्जी वो फैसला करें, मैंने उनसे पूछा भी, उन्होंने अभी तक कोई फैसला नहीं किया किस दिन इजलास बुलाना है, उसके बाद उनके पास 7 दिन है। 172 आदमी लाना आपका काम है, और आपने, क्योंकि आपको पता है पिछले 2 महीने से इस मुल्क में एक तजबजब इंतशार और खलफशार की प्रोग्राम एक की फजा पैदा की जा रही है। इंशाअल्लाह ताला मेरे मौला को मंजूर हुआ, इमरान खान सुरखरू होकर निकलेंगे और ये शिकस्त खाएंगे। और जो कॉले ये दे रहे हैं, प्लीज कानून को हाथ में ना लेना, वरना कानून आपको हाथ में लेगा। कानून से आगे कोई नहीं है। और हमने कल 2 दिन पहले बाराकौ से एक ग्रुप पकड़ा है। इस मुल्क में अगर किसी को खतरा है तो 2 आदमियों की जानों को खतरा है, एक फजलुर रहमान है और दूसरा शेख रशीद है। आसफ जरदारी या शहबाज शरीफ को किसी ने कुछ नहीं कहना, किसी ने कुछ नहीं कहना, और दोनों पे, फजलुर रहमान पे भी और शेख रशीद पे भी, 2-2, 3-3 खुदकुश हमले हो चुके हैं। हम इस मुल्क में अमन चाहते हैं। 22-23 को OIC कॉन्फ्रेंस हो रही है, 23 मार्च को पाकिस्तान की अजीम अफवाज मार्च कर रही हैं, और जिसमें हम कल हम जा रहे हैं कि दुनिया का मोस्ट मॉडर्न जहाज J-10C-25 फ्लाइंग कर रहे हैं। और अभी DGISPR ने बताया कि इंडिया के एक मिसाइल ने मियां चनू तक उसको गिराया गया। ये पाकिस्तान की सलामती का मसला है, पाकिस्तान में बुरान पैदा ना करें। साम्राज्य की ख्वाहिशें पूरी नहीं हो सकती, अवाम की ख्वाहिश जो है, जिस दिन आप अदम एतमाद लाएंगे, मैंने कहा है कि इमरान खान के फॉलोअर भी आए असेंबली के बाहर, जो ग्राउंड है ग्रीन फील्ड है। और 2 बातें कहना चाहता हूं। MNS को हमने गिरफ्तार नहीं किया जी, वो अपने शौक से बैठे हुए हैं। तमाम लोग सुन लें, पुलिस पर तशद्दुद किया गया, सरकारी गाड़ियों की हवा निकाली गई, और इसके अलावा 5 घंटे हमने इनसे मुज़ाकरात किए। ये मुल्क है, कोई बनाना स्टेट नहीं है। पाकिस्तान दुनिया इस्लाम का वाहिद एटॉमिक इस्लामिक मुल्क है। फजलुर रहमान साहब, हम पूरी सहूलत आपको मुहैया करना चाहते हैं अदम एतमाद की, आप हुक्म करें, लेकिन अगर आप कानून को हाथ लेंगे कोई लिहाज नहीं होगा, कोई लिहाज नहीं होगा। और चारों चीफ सेक्रेटरियों और IGs को मैंने हदायत की है कि जो कानून को हाथ में लेने की कोशिश करे, कानून उसको हाथ में ले ले। और MNS को अगर किसी किस्म का मसला है, मैं हाजिर हूं, लेकिन अगर आप प्राइवेट मलेशिया को समझते हैं कि अभी एक जत्था है, अभी आपको स्लाइड दिखाएंगे, मेरी 5 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। हमने कमांड एंड कंट्रोल ऑफिस आज खोल दिया है आर ब्लॉक में, 4th फ्लोर पे। नए मोबाइल नंबर भी आपको दे रहे हैं,
हम इस 20-22 दिन 24 आवर वजारते दाखला आपको अवेलेबल है, और आपने जो ड्रामा रचाया आज फेडरल लॉजिस में, ख्वातीन को बुला लिया, हमारी बेटियां हैं, बहनें हैं, एमएनएस को बुला लिया, हालांकि मसला जो है वो प्राइवेट मलेशिया इंसारुल इस्लाम का है, लेकिन सियासत करने के लिए दूसरी पार्टियां आ गई। सो मैं बतौर वजीर दाखला सारी कौम के सामने कहना चाहता हूं, अदम एतमाद आपका हक है, इसका एहतराम है, लेकिन जब ये देखा इन्होंने कि ये इमरान खान के लिए तहरीक इत्मीनान होने जा रही है, इनके औसान खता हो गए। ये ज्यूडोक्राटे की बात कर रहे हैं, ये लॉ एंड ऑर्डर और घेराव की बात कर रहे हैं। हजूर, ये मुंह और मैसूर की दाल, घेराव से पहले 101 मरतबा सोचना, जो भी तशद्दद करेगा उसको कुचल दिया जाएगा। अदम एतमाद 172 बंदे लेकर आए, मोस्ट वेलकम। 5 मिनट हो गए, सवाल। पहले ये फिल्म देखें, पहले एक फिल्म देखें कि ये इंसारुल इस्लाम का अमीर जो इसका कायद है ये का क्या कह रहा है, इसको चलाएं। ये चलने से पहले सारे लोग चैनल पे देखें कि ये नाज़िमे इंसारुल इस्लाम जो है वो क्या कह रहे हैं, ये टीवी पे देखें आप। इनका ये आप देखें, ये जत्था चढ़ के चले हैं, और हम खुदा को गवाह बना के कहते हैं कि हमारा इनके लिए इनके आईनी और कानूनी हक के अदम एतमाद कोई रुकावट नहीं है, लेकिन अगर इन्होंने कानून को हाथ में लिया तो कानून हाथ को लेगा, हाथ में लेगा फिर चीखे ना मारना। और इस अदम ये तशद्दुद जो आप करने जा रहे हैं, लास्ट सेंटेंस फिर मैं सवाल लूंगा, इससे आप कानों को हाथ लगाएंगे, आप फंसेंगे। हमने तो 4 साल पूरे कर लिए हैं तकरीबन, आपके साथ वो होगी जो आप अपनी बेवकूफी पे सारी उम्र नादम रहेंगे। और ये सारे बिगोड़ों के लिए भी प्रोग्राम है जो पाकिस्तान से भागे हुए हैं, और उनके लिए भी प्रोग्राम है जो इस्तेमाल हो रहे हैं साम्राज्य के इशारों पर, क्योंकि पाकिस्तान यूक्रेन और चीन की जंग में इमरान खान जो है गैर जानबदार है, हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं है, सारे ब्लॉकों के साथ है, क्योंकि ये पाकिस्तानी कौम की आवाज है। सुन लिया JUI ने, देखें उसको शोहरत ना दें, जब सड़क जहां बंद होगी वहां मैंने IG को और चीफ सेक्रेटरी को कहा है कि ये सड़क खुलवाना आपकी जिम्मेदारी है, और जो रुकावट करेगा वो जेल के पीछे और कानून के शिकंजे में आएगा। जो ऑपरेशन हुआ वो मैंने जब 5 घंटे हुए मैंने स्पीकर साहब के नोटिस में लाया, क्योंकि यहाँ वहाँ ये कपड़े बदल के 50 लोग भाग गए, 19 लोग पकड़े गए, ये 70 लोग थे, उन 50 लोगों की भी हम लिस्ट जो है वो आपको दे देंगे। इन्होंने वहाँ कपड़े चेंज किए, बाज मेरे साइज के मोटे हैं, कपड़े नहीं आए तो वो उसी लिबास में पकड़े। क्योंकि ये उस चौकी पे जो लोग खड़े हैं ये उनकी जिम्मेदारी थी कि सलाउद्दीन के साथ जो डालों पे लोग जा रहे थे, जो सिक्योरिटी गार्ड जा रही थी, उनको नहीं जाने देना चाहिए था। IG इस्लामाबाद ने जबरदस्त काम किया, उनको मतल किया और उसके खिलाफ चार्जशीट होनी चाहिए।
बस उसके खिलाफ यही हो सकता है ना आप कानून। जी बताइएगा कि वो थ्री क्वेश्चन लास्ट, ये कहा जा रहा है कि वो जो दो आए थे उन्होंने वर्दियां पहनी हुई थी लेकिन वो निहत्ते थे। सर जी खुद खुद मौलाना फजलुर रहमान ने, मैं मौलाना ही कहूंगा, मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा लाठियां हमने घरों में तेलों तेल में डुबई हुई हैं। अगर मैं गलत कह रहा हूं एक साफी जवाब दे आप में से। उन्होंने कहा हमने लाठियां तेलों में डुबो के रखी हुई हैं, हमने तो कोई लाठी नहीं चलाई। देखें हम उनको गिरफ्तार नहीं करेंगे, उनका ये कंपनी की मशहूरी नहीं होने देंगे। जो दो है मैंने वो भी रहा है। जी खान साहब लास्ट सवाल आपका होता है। शेख साहब ये फरमाए अपोजिशन को इस बात का खतरा है कि कहीं तहरीके अदम एतमाद के दिन उनके एमएलए को, तहरीके अदम एतमाद नाकाम है नाकाम है नाकाम है नाकाम है नाकाम है। 172 आदमी इसका को बड़ा भी नहीं इकट्ठा कर सकता। थैंक यू वेरी मच। खान साहब का क्वेश्चन, तो फिर अगर पुलिस की सिक्योरिटी पे, खान साहब आपसे मेरी मोहब्बत है, रेंजर एफसी हाजिर है, हर एमएनए को देते हैं, और फिर ना कहना अगर मैंने इस्लामाबाद को रेंजर्स और एफसी के हवाले कर दिया फिर ये कहेंगे रेंजर्स और एफसी आ गई, क्योंकि फौज ये खुद कह रहे हैं न्यूट्रल है, बहुत अच्छी बात है। और फौज ने आज डीजीआई एसपीआर ने कहा कि सियासत से हमारा कोई तल्लक नहीं, लेकिन अगर ये पुलिस पर एतमाद नहीं करते मुझे हुक्म करें मैं रेंजर्स भी दे देता हूं इनको, एक एक एमएनए को, एफसी भी एक एक दे देता हूं, अगर कहें तो गाड़ी भी दे देता हूं, बाद में 12 आदमी कम हो गए मुझे ना कहना।